तो दोस्तों खबर निकल के आ रही है, इंडिया काम कर रहा है अपना डिजिटल गेमिंग रिसर्च पर, जो कि एक हाई क्वालिटी गेम जो है डेवलप करेंगे और मोस्ट पावरफुल गेमों को बनाएंगे, जैसे कि पबजी है, जी टी ए 5 है और तरीके तरीके के गेम है, और उन गेमों को लेकर जाया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। हमारा इंडिया भी इतने ज्यादा हैवी क्वालिटी के गेम लाने वाला है जिसके ऊपर काम चल रहा है। शुरू करने से पहले सबसे पहले कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर ले लाइक, ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईक्यू लॉन्च करने वाला है Z6 Pro, जो कि आएगा 25,000 रुपीस में, और इसके साथ साथ वो लॉन्च करने वाला है Z6 4G। ये आने वाला है 20 अप्रैल को और देखते हैं क्या इसके अंदर खास रहेगा। इस आईक्यू सीरीज है, ये काफी ज्यादा अपने फोन इंडिया में लॉन्च कर रही है और काफी ज्यादा अपने पेड़ जमाने की कोशिश कर रही है। वैसे इसके फोन काफी डिसेंट क्वालिटी के होते हैं और गेम वेम खेलने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया है अपना एक और फीचर, जैसे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखा करते थे किसी पर्टिकुलर मैसेज पे आप रिएक्शन देना चाहते थे, तो रिएक्शन जो है अब आप अपने व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे तो आ चुका है कि आपके व्हाट्सएप पे आया, आप चेक करके जरूर बताना कमेंट में। दोस्तों रेडमी ने अनाउंस कर दिया है, रेडमी लॉन्च करने वाला है अपना रेडमी नोट 12 प्रो, जो कि आएगा 1300 डायमंड सिटी प्रोसेसर के साथ में। तो ये प्रोसेसर जो है वो 6 NM पर बेस्ड है, ये 25,000 के नीचे आने वाला है। और इसकी खासियत में बता दूं, ये जो है 200 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट करता है। चलिए जब तक देखते हैं क्या इसके अंदर खास आने वाला है और ये प्रोसेसर कैसा होने वाला है, क्योंकि नया प्रोसेसर अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ। इसलिए तो रेडमी अपना दावा कर रहा है अपना फोन लॉन्च करेगा या फिर वन प्लस टू टी लॉन्च करेगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, ओप्पो ने अभी हाल ही में अपना ओप्पो रेनो 7 और 7 प्रो लॉन्च करा था, लेकिन उसके बाद में ये कितनी जल्दी अपना फोन लॉन्च कर रहे हैं ओप्पो रेनो 8 और 8 प्रो, जो कि लॉन्च होने वाला है जून के महीने में। काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, हर 6 महीने में अपना फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो वैसे खैर अच्छी बात है। ये आपके लिए कॉम्पिटिशन जो है बना रहना चाहिए मार्केट में, ताकि आपके लिए चॉइस बनी रहे आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। वैसे रेनो सीरीज कैमरे के लिए काफी अच्छी जानी चाहती है और कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी होती है और काफी अच्छे इसके फोन आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है OnePlus लॉन्च करने वाला है अपनी एक और नई सीरीज जिस पर वो काम कर रहा है। तो ये जो सीरीज है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसकी जो स्पेक्स निकल के आ रही है काफी ज्यादा हैवी है। मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर OLED डिस्प्ले आने वाली है फुल HD प्लस की, और उसके साथ में आने वाला है 150 वाट का चार्जर, बैटरी होने वाली है इसके अंदर 4500 mAh की। तो काफी सुनी सुनी सी स्कीम लग रही है, जैसे कि रियलमी GT न्यू 3 आने वाला है, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्पेक्स लग रही है, लेकिन देखते हैं फोन कैसा होने वाला है। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।